व्हाट्स अप इंडिया। आज तक आपने लड़ाइयाँ सिर्फ देखी होंगी, गब्बर और ठाकुर की लड़ाई, मोगैम्बो और मिस्टर इंडिया की लड़ाई, कांचा चीना और विजय दीनानाथ चौहान की लड़ाई। लेकिन जिस लड़ाई ने हमें ये शो बनाने पे मजबूर किया है वो आपने सिर्फ देखी नहीं बल्कि की भी होगी, वो भी अपने घरों में। Yes, ये है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डिबेट, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ है हमारे BFFs, यानी बहुत फेमस फ्रेंड्स, इंडियन टेलीविजन की पावर पफ गर्ल, द बोल्ड एंड द बैडएस बानी जे, रियल लाइफ की आइडियल डॉटर रश्मि देसाई, पंजाबियों की स्वैग एटीट्यूड का कैरी बैग करण कुंद्रा, एंड संस्कारी प्लेबॉय पारस चाबरा। Let the war begin! हमारा पहला सवाल है, कितने परसेंट मर्दों को लगता है कि शादी के बाद उनकी आजादी चली जाती है? और आपके 15 सेकेंड शुरू होते हैं। आप स्क्रीन पे जो स्लाइडर्स है उस पे अपनी मर्जी से सही परसेंटेज क्लिक करो और ये प्रूफ कर दो कि आप ऐसा करने के लिए आजाद हो। हाँ हाँ, अपनी मर्जी से परसेंटेज बताओ और गलत हुआ तो अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी से मार खाओ। मैं आपका भी जवाब जानना चाहता हूँ, शादी के बाद आजादी वो क्या होती है? नो नो नो, शादी ही आजादी है। मतलब इतना आजाद तो मैं पैदा होने के बाद कभी नहीं था, तो शादी के बाद हुआ। तो लेडीज लेट्स सी व्हाट्स योर परसेंटेज। एट्टी फाइव परसेंट आपके चेहरे पर ही आपका परसेंटेज लिखा हुआ। आपके भी। इतनी खुशी मुझे पहले। ओके, लेट्स सी व्हाट द जेंटलमैन हैव टू से। 50, 60, 70, 80, 90, 100। आर यू किडिंग? वाओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 85% मर्द यही सोचते हैं कि आजादी चली गई? तो ये तो लड़कियां भी सोचती है आजादी चली जाएगी, हर बात के लिए किचकिच होएगा, क्या पहना क्या नहीं पहना। आई थिंक लड़के भी यही सोचते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, लाइफस्टाइल हैज टू बी डिफरेंट। व्हेनेवर यू प्लानिंग समथिंग फॉर योरसेल्फ यू हैव टू बी रिस्पांसिबल टुवर्ड्स पार्टनर। आई एग्री, क्योंकि आई ऑलवेज फील शादी होने के बाद योर वाइफ शुड बी योर प्रायोरिटी। ओह रियली? आई एम रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस। तुम्हें रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ 6 कैमरा है, 6 एंगल से रिकॉर्ड हो चुका है। मेरे ना ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी लव मैरिज हुई है, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, मेरे डैड है उन्होंने भी लव मैरिज की थी। मैं सबसे पूछ सकता हूँ, मतलब सारी वैरायटी से मैंने पूछा है, तो शादी कर लेनी चाहिए? नहीं। ऐसा क्यों? आजादी की बात हो रही है ना। ऑन अ लाइटर नोट, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइट अच्छी थी, वो आप सेफ खेल रहे हो, बहुत अच्छा लगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पूरे रिलेशनशिप में आजाद चाहिए? पार्टीज, रात को 2-3 बजे तक पार्टीज में जाना चाहते हैं, जल्दी नहीं आ सकते घर पे, है ना, जैसे कि फोन चेक करती लड़कियां। नहीं, अगर आपको आजादी चाहिए तो फिर रिलेशनशिप में क्यों जा रहे हो आप? हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, बताओ ना, जरा बताओ 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 क्यों? क्या होता है ना, शादी करने के बाद जैसे अभी हम बैठे रहते हैं चड्डियां पहन के अपने दोस्तों के साथ, तो वो नहीं बैठ सकते ना। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बैठते हैं मेरे घर में, तो सब अपना चिल मारता है। मेरा भाई आज भी, दे हैव बीन लाइक, आज भी मैंने, आई थिंक मैंने ऐसा कपल नहीं देखा है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर इवन आई विल टॉक अबाउट यू गाइस, आपका वीडियो देखती हूँ, सो इट गिव्स मी दैट फ्रेशनेस, डजंट फील दैट कि यू नो, अरे आपके दो बच्चे हैं। थैंक यू, इट्स सो गुड टू सी, एंड आपको देख के अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच। देखा मेरा प्यार? और मेरा ठीक है। मैंने शादी के बाद बंदा बैंकॉक नहीं जा सकता अकेला। मैं क्या बोल रहा हूँ, शादी के बाद बीवी को लेके जा बैंकॉक। I am saying बुफे करने जा रहे हो, लंच साथ क्यों लेके जाओगे आप? He is on another level only.
चलिए पहले ये पता करते हैं कि इंडिया इस बारे में क्या सोचता है। पारस तो सोचता है तो सोचता ही है। तो इंडिया की सोच है 73%, यानी आप दोनों हैं इंडिया की सोच से दूर। हमारा अगला सवाल है, कितने परसेंट लोग लड़के के पैदा होने पर ज्यादा खुशी मनाते हैं? ऑडियंस BFFs, योर 15 सेकेंड स्टार्ट नाउ। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट व्हिच वी शुड डेफिनेटली टॉक। सो लेट्स टेक अ पिक ऑन दैट स्लाइडर। टाइम अप लेडीज, आपका देखते हैं एवरेज परसेंटेज क्या है। 85%। चलिए देखते हैं जेंटलमैन की सोच क्या है। 90%। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? जब घर पे बेबी होता है, जब कोई न्यू बॉर्न होता है, तो हर एक को खुशी तो होती ही है। बिल्कुल। पर लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत से लोग, और किलिंग भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो मेरे हिसाब से 100% है। He said 80%. हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है ये, जहाँ पर किसी के घर पे लड़की पैदा हुई है, और एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी गांव खेड़े से नहीं है ये लोग, और उनको कंग्रेचुलेशंस के लिए फ़ोन आ रहे हैं, जो वो ऐसे आ रहे थे कि कंग्रेचुलेशंस, कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाएगा। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, 2020। इट्स वेरी सैड। ऐसे भी बहुत परिवारों में I've seen कि the women, अगर वो सिर्फ लड़कियां ही पैदा करती रहती हैं, they are not able to, you know, rear a boy, तो man इतने issue हो जाते हैं, then they look down upon the wife कि यार ये सिर्फ she's only giving girl babies, it's just so bizarre, it's just bizarre। हाँ, I think yes, लड़कियां पैदा होती है तो उतनी खुशी नहीं होती जितनी लड़कों के पैदा होने से होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि यार ये तो शादी करके चली जाएगी, उनका एजुकेशन वो होता है, एंड ये मैंने खुद देखा है, मेरे साथ हुआ है, बिकॉज माई मदर वॉज अ सिंगल पेरेंट, डोंट कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, तो मेरी मॉम को कर्स किया जाता था, बोला जाता था कि ये लड़की पैदा कर ली, एक्स्ट्रा बर्डन पाल लिया, एक लड़का था, दूसरा बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत है। मैं जब 12-13 साल की थी तो मुझे बोला जाता था लिटरली कि क्या है यार, पनौती हो गई है ये वो, आई वॉज नॉट गेटिंग टू, बट ओनली माई मदर हु स्टूड बाई मी एंड शी वॉज देयर विथ मी थ्रू आउट इन माई ऑल माई रफ पैच, और ये आज भी होता है, और आई थिंक लॉट ऑफ फैमिलीज विल अग्री। इट्स फनी टू सी कि हम लोग देवियों की पूजा करते हैं, और फिर उसी देवी का रूप जब घर में पैदा होता है तो हमें खुशी नहीं होती। वैसे रिसर्च से पता चला है कि दुनिया में जितनी भी डेवलप्ड और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, वहां फीमेल्स का रेशो मेल्स से ज्यादा है। तो कम से कम इंडिया को तो गर्ल चाइल्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो सिर्फ एक घर में पैदा होकर भी दो दो फैमिलीज की लाइफलाइन बन जाती है। खैर, चलिए देखते हैं इंडिया की सोच क्या है। इंडिया की सोच है 76%। इस सवाल का सही जवाब है 80%। इस हिसाब से BFF में क्लोजेस्ट है लेडीज। तो चलिए आज का आखिरी सवाल है, कितने परसेंट लोग किसी लड़की या लड़के को इम्प्रेस करने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी एडिटेड फोटोज डालते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। परसेंटेज स्लाइडर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। थिंक केयरफुली, व्हाट कुड बी इंडिया की सोच? कम कर दिया तूने। इतने ही होंगे, कुछ लोग नहीं करते। Ladies, let's go. Let's understand. How much time do you have to go for it? Oh, 98%. Gentlemen, what do you think? 78%? Oh, wow. Boys are saying this. So, ये सवाल मैं आप दोनों से पूछता हूँ कि मर्द ज़्यादा फोटो एडिट करके डालते हैं
या लेडीज डालती हैं? ओवरऑल तो लड़कियां ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं फोटोज को एडिट करने की, पर देखते तो आप हो ना. ऑफ कोर्स, बिल्कुल, नो डिनाइंग. No denying. Scroll तो आप ही करते हो ना, double tap से, save. कुड़ियों के phones में ज़्यादा editing apps होती हैं मुंडों के phone से. Okay. आप अपने photos कभी filter करके edit करके डालते हैं? मुझे तो करना पड़ता है ना, कौन देखेगा मेरी photo? काम का मामला है ना. आप पर सर, आई एम अ फोटोशॉप एक्सपर्ट, तो मैं तो फोटोशॉप अच्छे से एडिट करता हूँ. एक एक चीज, एक एक स्पॉट हटाता हूँ, उस पे टेक्सचरिंग करता हूँ, उसमें लाइट्स डालता हूँ. जिनको मैं प्यार करता हूँ, जिनको मैं क्लिक करता हूँ, उनकी सड़ी से सड़ी फोटो को भी मैं बहुत सुंदर बना देता हूँ. सो बेसिकली ये जिन जिन से प्यार करते हैं, सुन लो, आपकी फोटो बड़ी सड़ी भी होती है. वो ये ठीक करते हैं, इसका जवाब ये कि आप सड़े हुए हो. माय गॉश. लेडीज, आपको क्या लगता है कि मेन फोटो फिल्टर करते हैं या वुमेन? वुमेन. She says women, yeah. I think ज़्यादातर filters have been targeted for women. Yeah. क्योंकि सारे जो filters हैं are to make your nose thinner with makeup, lashes, what not. I mean it's very very disturbing how these people जो apps बना रहे हैं, filters बना रहे हैं, कि वो हमारी idea of beauty को distort कितना, कौन से degree तक fine tune कर रहे हैं. True. कोई match up ही नहीं कर पाएगा कि beauty ये चीज़ होती है तो भाई मुझे इस filter की तरह दिखना है. एक और fascination है color of the skin से. कितने सारे filters हैं जो आपको गोरा बना देते हैं. It's bizarre. मेरे को असल में I don't recognize half the people. I don't. I'm just like, भाई तुम फिल्टर के बिना कुछ तो पोस्ट कर सकते हो भी नहीं. जिनिलिया, टेल मी कि आपको क्या लगता है कि हाउ डज वन गेट टू लविंग योरसेल्फ द वे यू आर? व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन फिल्म्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेकल्स. तो व्हेन आई शूटिंग, डायरेक्टर केम टू मी वन डे एंड सेड कि दीज आर ऑल ब्लैक स्पॉट्स ऑन योर फेस. ये दाना दाना क्या है आपकी शक्ल पे? या प्लीज कवर इट अप, प्लीज कवर इट अप. तो मैंने किया. आई मीन फॉर अ लॉन्ग टाइम आई कवर अप, you know, my freckles. Still, I did jaane to. And when I did jaane to, Aamir Khan, the first thing he said that I want her freckles being shown. And it was joy for me that, you know, someone accepts my skin the way it is. Absolutely. I think it's important ke aap apne aap se pehle pyar kare, apne filter se nahi. Lekin, filhal ye dekhte hain ki India ki soch kya hai. Yes. 83%. इंडिया की सोच है 83%. इस क्वेश्चन का सही जवाब है 80%. यानी जेंटलमैन की सोच करीब है इंडिया की सोच से.